नमस्कार दोस्तों, मेरे मिनी गार्डन में मैं नीता आप लोग को आज एक कड़ी पत्ते के बारे में उनकी विधि और कैसे उसकी केयर करेंगे उसके बारे में बताऊँ। देखिए, मैं एक बड़ा सा पेड़ था मेरा, ये देखिए, देख रहे हैं, ये मेरा कड़ी पत्ता का एक छोटा सा पेंट का डब्बा में हमने लगाए थे, देख रहे हैं। ये मेरा बहुत पुरानी पेड़ है, ये करीब करीब मेरी 3 साल ऊपर का पेड़ है, देख रहे हैं। अब इसी पेड़ से ही हमने जो मेरा इसका फूल जो गिरा था, इसका बीज जो लाल बैगनी कलर का, देख रहे हैं, उसी बीज से फिर हमने कड़ी पत्ता का पेड़ को हमने तैयार किए हैं। देखिए, अब इसी से ही उसी पेड़ को डाल फूल से हम कड़ी पत्ता का पेड़ को तैयार किए हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसी पेड़ को हम बड़ा गमला में डालने के लिए कड़ी पत्ता का, देखिए, ये हमने एक ग्राफ्टिंग से लगाए थे, देख रहे हैं, इससे ही हम इसको तैयार किए थे, देख रहे हैं ना। वो बड़े वाला पेड़ था, फिर उसकी पौधा से ही काट कर फिर हम इसको ग्राफ्टिंग किए थे, देख रहे हैं। मेरे कड़ी पत्ता का पेड़ देख कितना बड़ा और कितना घना है, बड़ा पत्ता भी कितने बड़ा बड़ा हो गया है। इसमें हमने सैंड नॉर्मल मिट्टी तैयार करते हैं, जिससे कि कड़ी पत्ता हमारा बहुत अच्छा से हो सके। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल मिट्टी हम लेते हैं 70%, गोबर लेते हैं 50%, और बर्मी कंपोस्ट लेते हैं 75%, और ये सारा मिलाकर हम मिट्टी तैयार करते हैं, ठीक है। ये कड़ी पत्ता का पेड़ जो है ये मिनिमम 5 फीट का होता है। हमारा ये लगाने के समय है फरवरी टू मार्च, इसका हमने ट्यूनिंग करते हैं फरवरी मार्च में करते हैं। बीच बीच में हम कटिंग भी कर देते हैं, जैसे जैसे बीच में इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि ये है पूरा घना होता है, ये नहीं कि नहीं कटिंग करने से सीधा एकदम लंबा चले जाता है, इसलिए हम बीच बीच में इसको कटिंग कर करके इसको हटा देते हैं, और बीच बीच में हम इसको गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने से क्या होता है, इससे कि गुड़ाई आप जगह देखिए, इससे क्या होता है कि गुड़ाई करने से इसमें प्योर इनके ऑक्सीजन मिलती है। जितने आप अच्छे पेड़ को गुड़ाई कीजिएगा, बीच बीच में गुड़ाई आप पेड़ को करना चाहिए, ठीक है। इसमें खाद वगैरह सारा चीज मिलाइए, और पौधा देखिए कितनी जल्दी आपको पौधे इतना जल्दी बढ़ेगा कि कहने, क्योंकि इनका काम है कि आप चाहे तो दही का छाछ भी दे सकते हैं। अब बीच बीच में हम क्या करते हैं, गुड़ जो है मीठा, उसके पानी को भिंगो कर हम इसकी चारों तरफ गुड़ के पानी जो है हम इसमें डाल देते हैं, या कभी कभी हमने इसमें जैसे कि बार्मी कंपोस्ट है आपका, बार्मी कंपोस्ट घर में बना लेते हैं, इसमें नीम का है, गोबर खाद है, और जितने फल सब्जी है उसका हम मिला देते हैं। और एक चीज और क्या करते हैं, मंथ में महीना में एक बार हमने ये देखिए, ये मंथ में एक बार हमने सरसों और प्याज के छिलका, सरसों का जो है खली है खाद खली उसको और प्याज के छिलका, ये हमने 24 घंटा भिंगोते और फिर इसको किनारी में हम इसको इस तरह करके हमने इसको डाल देते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि पेड़ में पोषण भी मिलेगा, पेड़ जो है ये मजबूत भी होती है, ठीक है। ये सीधा ग्रो करते हैं, बीच में हम कटिंग कर देने से ये पेड़ बहुत अच्छा होता है, समझ गए। हाँ, कभी कभी हम इसमें हल्दी पाउडर डालते हैं, हल्दी पाउडर इसलिए डालते हैं कि कभी यदि इसमें कीड़ा वगैरह लग जाए तो हल्दी पाउडर इसका काम करता है, समझ गए ना। इसके कभी कभी कोई बात नहीं, कटिंग कर देने से क्या होता है कि पौधा बढ़ता है। ये मानसून है, ये सब समय कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत कड़े धूप में रखना, जितने सनलाइट मिलेगा उतना ही पत्ता में चमक आएगी। और हम बीच बीच में क्या करते हैं, शहद जो है शहद के पानी में हम घोर कर और उसे हम छिड़काव कर देते हैं। मीठे शहद देने से क्या होती है कि इससे पत्ता भी अच्छा होता है और पेड़ में भी ग्रोथ करता है। इसमें जितना कीजिएगा उतना, जैसे कि इसमें हमने कभी कभी रेनी सीजन में ये सबसे अच्छा होता है इसके धूप के लिए, और इनमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक धूप लगे, जिससे धूप लगने से ये पौधा बहुत अच्छा होते है। इसमें हम क्या करते देने के लिए, मान लिए कि 2 चम्मच हल्दी का पाउडर दे दिए हैं इसमें, और 100 ग्राम हमने कंपोस्ट खाद मिलाए, और ये सारे नीम का 5 चम्मच नीम का खाद मिलाए, और इसी चीज़ देकर हम कड़ी पत्ता का पेड़ को तैयार कर सकते। देखिए कितने बड़े बड़े मेरा पत्ता है, लीफ है, देख रहे हैं। तो कड़ी पत्ता को तैयार इजी एकदम घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। हम इसको डाल से भी पौधा को तैयार करते हैं, बीज से भी तैयार करते हैं। ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है, अगर आप यदि इसमें मीठा पानी, गुड़ का पानी या शहद का पानी का छिड़काव करें तो ये पौधे में इतना अच्छा ये होता है। ये मेडिसिन का पौधा है, ये दवा के काम आता है,
एग्जांपल ऑफ हेयर का काम आता है, बाल का, ये हर तरह की चीज़ इससे बनती है। कोशिश कीजिए कि आप लोग भी घर में लगाएं मेडिसिन पौधे को। और ये मीठी नीम है, ये खाने में भी काम आती है। इसकी इतनी गंध है कि कन एक पत्ता लेने से भी लगता है कि इतनी लगता है कि एकदम नीम के पत्ता की तरह ये है, देख रहे हैं, इस लग रहा है एकदम नीम की पत्ता है। तो दोस्तों, आपका यदि मेरे कड़ी पत्ता का लीप का टिप्स आप लोग को अच्छा लगा तो हमें शेयर करें, लाइक करें और बताएं कि कैसा लगा मेरा, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।